नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 20 फरवरी 2023। अब आज है 17 फरवरी फ्राइडे, ये मंडे के लिए बोल रहा हूं। टाइम है 3:29, मार्केट बंद नहीं हुआ और लेट्स सी क्या होता है यहां पर। वेल, निफ्टी में जो है हमने देखा था कल, ये हमारा चार्ट था 18,150 और 18,150 के जोन ऑफ रेसिस्टेंस था। मार्केट खुला वहीं पर खुला है, यहाँ पर करीब 18,050 गया और नीचे आ गया। अब क्या है, अब भी वीक है। अब हमको थोड़ा चेंजेस करेंगे, ऊपर का जो ये बार है इसको हम निकाल देंगे, उड़ा देंगे। अब क्या लगता है, ये जो जोन है वाइट बार, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस है 18,130 के या 140-150 का रेसिस्टेंस है। नीचे का सपोर्ट का है, नीचे सपोर्ट यहाँ तक है, वो है 17,770। तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, 17,770 ये एक जोन है। यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था 17,900 ब्रीच हुआ और उसके ऊपर बंद हुआ है। अभी बंद हो रहा है, लगता है 17,942 चल रहा है, 4260। यस, बंद हो गया 17,942-60 के आसपास। लेकिन हमारे क्रूशल सपोर्ट जो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ था उसके ऊपर बंद हुआ है। लेकिन ये देखने के बाद अब भी लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो मैं पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ को ये निकाल दूंगा, यहाँ पर उड़ा दूंगा इसको, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। 17,900 है तो कहाँ तक आ सकता है, पॉसिबल है कि ये जोन आ सकता है 17,770। तो इसको भी निकाल देता हूँ, और मैंने क्योंकि यहाँ पर 17,770 लिखा है, अब ये जोन बन गया। बैंक निफ्टी देखिए क्या हाल है। बैंक निफ्टी में 42,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 41,700 जो हमने यहाँ पर मार्क किया था उसके नीचे ब्रीच हो गया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, उड़ा दो। 41,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो भी ब्रीच हुआ, उसके नीचे बंद हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, अब इतना कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस है 41,700 का। 42,000 तो हम बाद में निकाल देंगे, तो इसको उड़ा के 41,700 कर देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, वो है ये वाला पार्ट, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, उड़ा दो इसको। थोड़ा अगर नीचे ये यहाँ ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए, वो करीब है 41,600 कर देते हैं। आप जो सीख रहे हैं ना, ये लाइव सीख रहे हैं कि जैसे कैसे कहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, कहाँ लगाना चाहिए। ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन है, इसमें वीकनेस है, लोअर टॉप्स है, वीकनेस है, ये ब्रीच हो गया सपोर्ट, वो भी वीकनेस है, और उसके आसपास है। अगर बैंक निफ्टी तो वीक है, कहाँ तक आ सकता है, पॉसिबल है बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, ये जोन ऑफ सपोर्ट है। वो कितना है, 40,300 तो मैं 40,400 लिखता हूँ, वो सेफ है। अगर नीचे आता है, गिरावट आती है, तो इसको 500 करता हूँ, राउंड फिगर है, वो इजी है, ये 40,500 तक आ सकता है, पॉसिबल है। इसको भी उड़ा के हम थोड़ा नीचे रख देते हैं, 40,500 कहाँ हुआ, 40,500 है, ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है 40,400-500। इसको यहाँ पर लगाता हूँ, 400-500 लिख देता हूँ, 500-400 इज जोन ऑफ सपोर्ट है। आएगा तो ये गिरावट वहाँ तक आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी को नीचे ले आएगा। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट है लोअर लेवल्स में करीब 17,770। मेरे हिसाब से अब ट्रेड कैसे करना चाहिए, ये देखिए लोअर टॉप्स भी हैं यहाँ पर, लोअर टॉप साइन ऑफ वीकनेस, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या करें। अब देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो पॉसिबल है कि ऊपर भी जाए, नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो 18,050 के आसपास रेजिस्टेंस है, नीचे 17,770 तक आ सकता है अगर फ्लैट खुलता है तो, ये क्लियर है। अगर डिप में खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो 17,770 के नीचे नहीं जाएगा मुझे लगता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके नीचे स्टॉप लगाकर खरीद सकते हैं। फिर बाउंस कितना होगा, जो आज का क्लोज है वहाँ तक बाउंस हो सकता है, वो करीब 17,900 तक, ये एक पॉसिबिलिटी है, और कुछ नहीं हो सकता। गैप अप नहीं लगेगा मुझे खुलता है, अगर खुलेगा तो नीचे गिरावट आएगी थोड़ी, गैप अप लगता है नहीं खुलेगा। हाँ, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, तो जो शॉर्ट्स हैं शायद शॉर्ट्स कवरिंग की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वीक है। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी 41,000 जब क्लोज हुआ है उसका खुलता है तो थोड़ी डिप आ सकती है, वो करीब 41,500 तक ले आ सकते हैं, पॉसिबल है। अगर बैंक निफ्टी में अपमूव मिलता है तो ये रेसिस्टेंस आएगा 41,600 के आसपास, इतना ही ध्यान करना है। 41,600 के ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा, तो है वीक, फ्लैट खुलता है तो ऊपर जा सकता है 41,600, नीचे खुला तो 41,500 पॉसिबल है। मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
मंडे को ट्रेड करना है। शार्ट डाउन है, एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, एफएनओ एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी भी है। तो यार देखिए मंथली एक्सपायरी होगा, यस बिल्कुल है, आज 17 है, 20 तारीख को खुलेगा और मंथली एक्सपायरी 23 तारीख को है, तो 4 दिन है एक्सपायरी के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। देखिए क्या होता है, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। हैप्पी ट्रेडिंग एंड यस एंजॉय द राइड।